गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। गाइस पिछले एक मंथ से हमारी वीडियो स्टे नहीं आई क्योंकि मेरे पेपर थे, बीए के पेपर थे और इसके बोर्ड एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं और काफी लोग कमेंट कर रहे थे भाई अब मर तो नहीं गए, आपको आदमी वालों ने तो नहीं उठा लिया। नहीं नहीं भाई, तो फाइनली हम फोकस करेंगे वीडियोस पे, ताकि वीडियोस रोजाना है, जो मर्जी हो जाए वीडियो रोजाना लगाएंगे, बेशक लाइट चली जाए, जंग हो जाए, ओ भाई बस कर रोजाना लगाएंगे। अभी कल तेरी तबीयत खराब होगी, तूने कहा यार मेरे में हिम्मत नहीं है फलाना, यानी वीडियो सारा लगाएंगे। लेकिन गाइस आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया फाइनली T20 वर्ल्ड कप जीत गया, दूसरी दफा जीता मेरे ख्याल से, दूसरी या तीसरी दफा, 17 साल बाद जीता है। पहला मेरे ख्याल से पाकिस्तान से जीता था, लेकिन जो भी है यार पहले मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने वर्ल्ड कप देखा भी नहीं वैसे, मैंने तो वहां से छोड़ ही दिया था जब पाकिस्तान इंडिया से बुरी तरह हटा ना, बिल्कुल जीता हुआ मैच था, सही बात है, पाकिस्तान हट गया। हमारे पास बॉलर अच्छे हैं लेकिन ना जो बैट्समैन है ना बॉब्जी द किंग, ये किंग इतना इससे हुआ ही कुछ नहीं, लेकिन अगर जीत भी जाते ना अगर इंडिया से तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी थी। सही बात है, पाकिस्तान का मतलब ये है तब से इंडिया से जीत जाओ भाई, वर्ल्ड कप जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया, छोटी सोच। लेकिन जैसे इंडिया फाइनल में आया ना तब मेरे दिल में आ गया था कि नहीं भाई इंडिया जीत के ही रहेगा, और भाई क्या लोगों ने पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की है। मेरे ख्याल से यूएसए में तो आधी वाम इंडिया की है, मतलब मैसी के बाद हुआ ना, मैसी का जब वेलकम हुआ था कंट्री के अंदर वहां भी कपना, ये भी मैंने देखा, उसके बाद इसका हुआ ना वो इंडियन पब्लिक ने किया है अपनी इंडियन टीम का, क्या पब्लिक आई, सही बात है, इसे कहते हैं इज्जत है ना। तो गाइस आज रोनक का वीडियो इसी के ऊपर है, पाकिस्तान और इंडिया को टीम को लेकर, और देख लेते हैं इसका वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो देख लेते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। आइए हम आपको आज बताएंगे ख्याली पुलाव बनाने की रेसिपी। ख्याली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले अरमानों की कढ़ाई लें, फिर उस कढ़ाई में एक्सपेक्टेशन की सब्जी डालें, उस पर उम्मीदों का ढक्कन ढक दें और पुलाव बन जाने के बाद हसरत का तड़का लगा दें। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी ये पुलाव आपकी भूख नहीं मिटाएगा। नमस्कार, रणतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। ख्याली पुलाव बनाने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये बंदा कहीं देखा देखा जाए उस चीज का क्या फायदा। अब देखो पाकिस्तान वाले इस वक्त पर ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि उनके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया वहां जाएगी। ड्राफ्ट शेड्यूल बना दिया गया है जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब इंडिया के मैचों की डेट भी आ गई, ड्राफ्ट शेड्यूल के हिसाब से 20 फरवरी को इंडिया बांग्लादेश से खेलेगी, फिर 23 फरवरी को हमारा मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ, 1 मार्च को हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। मतलब पाकिस्तान ये ख्याली पुलाव बनाकर बैठा है कि इंडिया तो पाकिस्तान आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस ख्याली पुलाव के कुकर में सीटी लगेगी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी नहीं। हालांकि इस पर इंडियन गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन आना है, लेकिन फिलहाल शायद पाकिस्तान को इस बात की भनक लग गई है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आने को लेकर राजी नहीं है, और इसी वजह से इस महीने श्रीलंका में जो आईसीसी की मीटिंग होने वाली है वहां पर पीसीबी इस मसले को उठाएगी। फिलहाल पाकिस्तान का स्टैंड यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और इंडिया को आना चाहिए, अगर इंडिया ने आने से मना किया तो उसको श्रीलंका से रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नवंबर में आईसीसी चेयरमैन के चुनाव होने हैं जिसमें जय शाह भी लड़ेंगे चुनाव, अगर वो जीत गए तो आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे और फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान वाले चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर पाएंगे नहीं। अब देखो हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर हम अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीसीबी को भी ये बात समझनी होगी कि चाहे आईसीसी में कितना भी भिंडी रोना रो लो, ये फैसला आईसीसी और बीसीसीआई को लेना ही नहीं है, ये फैसला अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट का होने वाला है। अगर इस मैटर को सॉल्व करना है तो फिर बातचीत पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट के बीच होगी, आईसीसी पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में नहीं। फिलहाल आप कमेंट करके ये बताओ कि पाकिस्तान वालों का ये ख्याली पुलाव कितना टेस्टी लग रहा है आपको, क्या पाकिस्तान वाले इंडियन क्रिकेट टीम को लाहौर में खेलते देख पाएंगे या फिर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कमेंट करके ये भी बताओ कि क्या इंडिया को वहाँ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि फिलहाल बाकी 6 देशों ने पाकिस्तान जाने के लिए हाँ बोल दिया है, क्या इंडिया को भी हाँ कर देनी चाहिए या फिर अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता तो हमको चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट कर देना चाहिए, कमेंट करके ये भी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना बाकी लोग। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो लेकिन वीडियो काफी फीका सा है, मतलब भाई जैसे वीडियो बनाते हैं लगता है तरिया सही नहीं थे, बड़े आराम से पाकिस्तान का कोई रोस्ट नहीं किया, बड़े अच्छे से वीडियो बनाई है, पाकिस्तान का रोस्ट नहीं किया, मतलब जो किया वो हमें तो आदत पड़ गई है ना हावी लेवल की बेइज्जती करवाने का। यार दूसरा ये कि पाकिस्तानी यार ये तो बहुत चाहते हैं कि इंडिया वाले आए पाकिस्तान में और दोनों को पाकिस्तान और इंडिया को खेलता देखे यहीं पे, स्पेशली पाकिस्तान वालों ने तो लाहौर में इनके मैच रखे हैं ताकि उनका इंडिया और लाहौर आसपास बिल्कुल सही खर्चा कर रहे हैं, अच्छे वाले स्टेडियम बने हैं उसको तोड़ रहे हैं कि भाई अगले साल इंडिया ने आना है तो तैयारी कर रहे हैं, और ज्यादा मुझे लगता है ना एंड पाकिस्तान की तरफ से जाना है, पाकिस्तान की तरफ से तो फुल तैयारी हो रही है लेकिन अब मेहमान आना पसंद नहीं करेंगे ये पता नहीं अब क्या, मुझे तो नहीं पता ये अब गवर्नमेंट ही मेरे ख्याल से देखेगी, लेकिन उस वक्त अगर हालात अच्छे रहे कोई ऐसी बॉर्डर पे एक्टिविटी ना हो तो अगले साल चांस बन सकता है। हाँ
इस साल से लेके अगले साल तक अगर कुछ ऐसा ना हुआ तो फिर चांस बन सकते हैं, लेकिन जो मर्जी हो मतलब पाकिस्तान ने फिर भी हारना है, वो पाकिस्तान में सीधी बात है यार, ये वगड़े पाकिस्तान ने फिर भी हारना है तो यही तो नहीं रखते हैं। अभी मैच हुआ नहीं, मैच डिसाइड नहीं हुआ, पाकिस्तान ने पहले हारना, इंडिया अगर आ गया हमारे घर में पेल दे, इतनी शर्म की बात होगी, मतलब कितना बुरा लगेगा यार। यार खेल में हार भी होती है जीत भी होती है, वो तो बात सही है, लेकिन हमेशा हमारी हार ही होती है, हमेशा तो नहीं, कभी एक बार पाकिस्तान जीता हुआ, कभी एक बार, कभी एक बार। अब ये कहना कि यार पाकिस्तान हारेगा ही, वैसे कहना अगर इंडिया के वैसे में हरा देता है तो थोड़ा ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि इंडिया आएगा कि नहीं, ये बात इंडिया के लिए, मैं तो ये समझ रहा था कि अगर इंडिया ना आया तो किसी और कंट्री में उसका हो गया होगा, मतलब कि शेड्यूल सेट, लेकिन वो तो कह रहे हैं बाइकआउट कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, तो ये फिर फैंस के लिए, फैंस के लिए बड़ी बुरी खबर हो गई। पाकिस्तान को तो आदत पड़ गया बुरी खबरें सुनने की, लेकिन आपको क्या लगता है इंडियन आएंगे कि नहीं, इंडियन क्रिकेट टीम आएगी कि नहीं, कमेंट में गाइस जरूर बताना। आज इतना सा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।